शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज अव्यक्त मुरली है 414। आज की मुरली का विषय है प्रवृत्ति में रहते, परिवार में रहते भी निवृत्ति में कैसे रहें, परिवार से अलग कैसे रहें, कमल फूल समान न्यारा कैसे बने। ये बाबा ने मुरली चलाई थी 28 नवंबर 1979 को। ओम शांति। आज बाप दादा अपने कल्प पहले वाले सिक्की लदे कोटों में से कोई बाप को जानने और वर्षा पाने वाले किसी विशेष ग्रुप को देख रहे थे। कौन सा ग्रुप होगा? आज विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को देख रहे थे। चारों ओर बच्चों की प्रवृत्ति के स्थान भी देखे, व्यवहार के स्थान भी देखे, परिवार भी देखे और आज की तमोगुणी प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, राज्य का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, ये हाल चाल देख रहे थे। देखते देखते कई बच्चों की कमाल भी देखी। कैसे? प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्ति में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते परिवार में रहते निवृत्ति सन्यासी की तरह रहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पार्ट बजा रहे हैं। सदा बाप के साथी और साक्षी हो, बहुत अच्छा पार्ट बजाते, विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से वा माया के अनेक आकर्षणों से सदा सेफ रहने वाले हैं। मतलब इतना न्यारे रहते हैं ना तो उन्हें कोई माया का कोई भी दुनिया का खेल अपनी तरफ खींचता नहीं और वो फिर माया से क्या रहते हैं, माया के अनेक आकर्षणों से सदा सेफ रहते हैं क्योंकि सन्यासी बन गए ना, रहे घर में रहे। ऐसे विश्व से न्यारे और निराले बच्चों को देखकर बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं, बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं। कई ऐसे बच्चे देखे जो रहते प्रवृत्ति के स्थान पर है लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहेब उन पर सदा राजी रहते हैं। न्यारे और प्यारे के राज को जानने के कारण सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते, प्रवृत्ति को भी राजी रखते, साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे स्वयं को और सर्व को राजी रखने वाले राजयुक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनने की जरूरत नहीं। क्या समझ में आया? काजी क्या होता है? मुसलमानों में जो शादी कराता है वो काजी होता है।
काजी का काम क्या होता है? उनका रिश्ता बनाना और उनका रिश्ता तोड़ना। क्योंकि केस ही नहीं जो काजी बनाना पड़े, तो झगड़ा होगा तो झगड़ा होगा, काजी बनाना पड़ेगा ना, जो उन दोनों का समझौता कराए या बिछोड़ा कराए। कई बार सुना है ना, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अपने ही संस्कारों के केस अपने पास बहुत होते हैं, जिस पर अपने अंदर ही बहस चलती रहती है, राइट है या रॉन्ग है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहां तक होना चाहिए, ये बहस चलती रहती है। और जब अपने आप फैसला नहीं कर पाते तो दूसरों को काजी बनाना पड़ता है। फिर किसी की छोटी बात होती है तो किसी की लंबी होती है। अगर बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर लो तो सेकंड में समाप्त हो जाएगा और किसी को काजी या वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं। आग फैलाई नहीं जाती, बुझाई जाती है। आग फैलाई नहीं जाती, बुझाई जाती है। इसका क्या मतलब होता है भाई? सामने वाला क्रोध में हो तो शांत रह जाता है, अगर हम क्रोध में हो गए तो वो बात फैल जाएगी। प्रवृत्ति का कायदा होता है, याद रखना है। परिवार का एक कायदा होता है, आप परिवार में रहते हो सारे। कायदा क्या होता है कि अगर कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है तो मां बाप बच्चों तक भी पहुंचने नहीं देते। मां बाप में कोई बात हुई है तो अपनी बात बच्चों तक नहीं पहुंचने देते, वहां ही स्पष्ट कर समा देते। आपस में स्पष्ट करके समा देते हैं, सभी इस स्टेज पर हो ना, अर्थात समाप्त कर देते हैं। अगर तीसरे तक बात गई तो क्या होगा? पहलेगी जरूर। और जितना कोई बात फैलती है उतना बढ़ती जाती। जैसे स्थूल आग जितनी फैलेगी उतना नुकसान होगा, ये भी छोटी मोटी बात भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है। आग को वहां ही बुझाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। प्रवृत्ति में बाप और आपके सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलनी नहीं चाहिए। आप और आपका बाप, आप बीबी, हम सारी बीबियां हैं और हमारा मियां है शिव बाबा, ठीक है। मियां बीबी राजी हो जाओ, समझ में आया? नाराज अर्थात राज को ना जानने के कारण, ना जानने के बराबर है। नाराज कौन होता है? जो राज को नहीं जानता। कोई ना कोई ज्ञान का राज मिस करते हो तब नाराज होते हो। किससे नाराज हो जाते हैं? बाबा से नाराज हो जाते हो। होता क्या है, ज्ञान की बात आप भूल जाते हो। बाबा कभी नाराज नहीं होते, हमें होते हैं। हाँ, चाहे स्वयं से या दूसरों से। तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है। आपने किसी और को बता दिया, बहन जी को बता दिया,
सखी सहेली को बता दिया। वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है, इसलिए तीसरे को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। जैसे आजकल की दुनिया में जो बड़े केस होते हैं वो अखबार तक फैल जाते हैं, तो यहां भी ब्राह्मण परिवार के अखबार में पड़ जाते। आपने एक बात अपनी दूसरे को बताई, उससे दूसरे के पास, तीसरे के पास, पूरे ब्राह्मण परिवार में आग की तरह फैल जाती है। तो क्यों नहीं आपस में फैसला कर लो, बाप के साथ बैठो और फैसला कर लो। बाप जाने और आप जाने, तीसरा जाने कोई, तीसरा ना जाने कोई। कोई कोई बच्चों को संकल्प पहुंचता है कि मियां बीबी तो ठीक, लेकिन मियां निराकार और बीबी साकार, मेल कम होता है, मिलन नहीं हो पाता। इसलिए कभी मिलन होता है, कभी नहीं होता है, कभी रूरी आन पहुंचती है, कभी नहीं पहुंचती है, अर्थात रेस्पॉन्स नहीं मिलता बाबा से ना। इसलिए बीच में किसको करना पड़ता है, काजी को करना पड़ता है, भी जाओ आप पूछ के आओ। इसलिए काजी करना पड़ता है, लेकिन मियां ऐसा मिला है जो बहुरूपी है, जो रूप आप चाहो तो एक सेकंड में जी हजूर कह हाजिर हो जाता है। जो रूप चाहिए बाबा एक सेकंड में जी हजूर कहे हाजिर हो सकते हैं, लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। बहुरूपी, हां जी, मतलब बाबा के ते बच्चे, तुमने मुझे अपना जो भी रिश्ते में रखना हो उस रिश्ते को निभाने वाले तो बनो ना। आप मुझे पति समझते हो तो सजनी बन के दिखाओ ना। सजनी का काम क्या होता है, साजन का कहना मानना। आप कोई शिकायत है साजन से, बेटा बन जाओ, बाप से कोई शिकायत है, नौकर बना लो। हर रिश्ते में भाई जी हमको ही है कहना, तो हमको है कहना, उसको तो मानना नहीं है, कहना तो हमको मानना है, तो राजी रहना आसान। राज को न जानने कारण नाराज होते हैं ना, इसलिए। ये राज जिसको समझ में आ गया कि भाई मुझे बाप से कहना, मुझे मानना है, बाप ने मेरा कोई कहना नहीं मानना, चाहे तो मुझे नौकर बना लो, चाहे बाबा को कुछ भी बना लो, कहना तो हमने मानना है। तो परिवर्तन भी स्थान को करना है, बाबा ने परिवर्तन नहीं करना या किसी और आत्मा ने नहीं करना, बाबा ने बदलना नहीं है, बाबा ने नहीं बदलना, बदलना तो मुझे है। हाँ जी, ये राज समझ में आ जाए तो बताओ नाराज क्यों होंगे। मुझे ही बाबा की श्रीमत के अनुसार मुझे बदलना है, मुझे किसी के पास नहीं जाना पूछने के लिए, किसी को कहने नहीं जाना, मुझे बदलना है बस, दूसरी कोई बात ही नहीं है। तो ये है बाप बहुरूपी है, तो
आप भी बाप समान क्या बनो, बहुरूपी बनो। अकड़ के, हाँ, एक सेकंड में जो भी रिश्ते में चाहो वही बन जाओ। बाप को जज बना लो, वकील बना लो, चपरासी बना लो, जो मर्जी आप बना लो, परंतु ये याद रखो कि बाप का ही कहना मुझे मानना है, मुझे ही बदलना है। ये राज जिसको समझ में आ गया, बाबा नहीं बदलेगा, मुझे बदलना है। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष। बाप तो एक सेकंड में आपको उड़ाकर वतन में ले जाएंगे, एक सेकंड में। बाप वतन से आकार में आते हैं और आप साकार से आकार में आओ, मिलने के स्थान पर तो पहुंचो। ऐसा कौन सा स्थान है भाई? बाप निराकार से आकार में आते हैं, आप साकार से आकार में आओ। ये आकार वाली दुनिया कौन सी है? सूक्ष्म वतन। तो आप सूक्ष्म वतन में आ जाओ, बाबा कहते हैं। मिलने के स्थान पर तो पहुंचो भाई, स्थान भी तो ऐसा बढ़िया चाहिए ना। सूक्ष्म वतन, आकारी वतन, मिलने का स्थान, समय भी फिक्स है, अपॉइंटमेंट भी है, स्थान भी फिक्स है, फिर क्यों नहीं मिलन होता? बताओ, टाइम भी फिक्स है। यदि इन बातों को देखें तो फिर बाबा से पूछते हैं हम, सूक्ष्म वतन, आकारी वतन, मिलने का स्थान है, समय भी फिक्स है, अपॉइंटमेंट भी है, स्थान भी फिक्स है, फिर क्यों नहीं मिलन होता? सिर्फ गलती क्या करते हो कि मिट्टी के साथ वहां आना चाहते? ये मिट्टी के साथ आना माना कहा आना चाहते हो? सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म वतन में। ये देह मिट्टी है, जब मिट्टी का काम करना है तब करो, लेकिन मिलने के समय इस देह के भान को छोड़ना पड़े। जो बाप की ड्रेस, वे आपकी ड्रेस होनी चाहिए। बाप की ड्रेस कौन सी है भाई? आकारी में आए बाबा अभी। समान होना चाहिए ना, जैसे बाप निराकारी से आकारी वस्त्र धारण करते हैं, आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं। आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहनकर आओ, चमकीली ड्रेस पहनकर आओ। भाई बाबा ड्रिल करा रहे ना भी? नहीं, ड्रेस पहनकर आओ, तब मिलन होगा। ड्रेस पहनना नहीं आता है क्या? फरिश्ते वाली ड्रेस, ड्रेस पहनो और पहुंच जाओ। ये ऐसी ड्रेस है जो माया के वाटर या फायर प्रूफ है। इस पुरानी दुनिया के वृत्ति और वाइब्रेशन प्रूफ है। इतनी बढ़िया ड्रेस आपको दी है, फिर वे अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी नहीं पहनते।
पुरानी ड्रेस से ज्यादा प्रीत है क्या? जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे और चमकीले वतन में होंगे अच्छा लगेगा, एक पुरानी ड्रेस वाला और एक चमकीली ड्रेस वाला जोड़ी तो नहीं मिल सकती, जोड़ी तो नहीं मिल सकती। इसलिए अनुभव नहीं होता, पुराने वाइब्रेशन इंटरफियर कर देते हैं, इसलिए आपसी रूरियान का रिस्पांस नहीं मिलता, क्लियर समझ में नहीं आता। इसलिए औरों को अल्पकाल का सहारा लेना पड़ता है, औरों का अल्पकाल का सहारा लेना पड़ता है। काजी को छोड़ो और राजी हो जाओ, काजी को छोड़ो राजी हो जाओ, ठीक है? क्या नहीं, कैसे छोड़े हैं काजी? वैसे ये मियां बीबी का नाता इतनी स्नेही और समीप का है जो इशारे से भी समझ लें, इशारे से भी सूक्ष्म संकल्प में ही समझ लें, ये ऐसा प्रीति का नाता है। फिर बीच में तीसरे को क्यों डालते हो? तीसरे को डालना अर्थात अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना, एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना। हां ये रूरियान करो कि मेरा मिलन कैसे हुआ, मेरी रूरवान क्या हुई, हम शरीक सहयोगी बन आपस में रूरवान करो। काजी बना के रूरियान नहीं करो, केस लेकर रूरियान नहीं करो, तो काजी को छोड़ दो और राजी हो जाओ। जब पसंद कर लिया, किसको पसंद किया आपने? बाबा को। जिसको देख नहीं सकते, जो कुछ खिलाता पिलाता नहीं, घुमाता फिराता नहीं, उसको पसंद कर लिया। फिर नाराज होके बैठ जाते हैं, मेरा कहना नहीं माना, मैंने ये कहा करने के लिए मेरा कहना नहीं माना, मेरे लिए साड़ी नहीं लाके दी, मेरे लिए सूट नहीं लाके दिया, मेरा बच्चा बीमार था उसको ठीक नहीं किया, मैंने कितना रिक्वेस्ट की वो मर गया, किस बात का ये मेरा बाप है? अब हम राजी नहीं होते भाई जी। हाँ तो बाप से नाराज हो गए ना भाई जी, इस छोटी चीजों की वो पूर्ति नहीं करता है। हमारी गलती है तो हम राजी नहीं थे, हमें राज का ही पता नहीं है, हम झगड़ा कर लेते हैं। हाँ। फिर हम छोड़कर चले जाते हैं, तो बाबा की क्या है इसमें, बाबा क्या करेंगे? अब बाबा समझा रहा है, बाबा समझा भी तो बाबा रहा है ना, राजी हो जाओ भाई, राज को जान लो, क्यों ये नहीं हुआ, क्यों ये नहीं मिला, फरमाइश नहीं, हाँ, पूरी करने वाला नहीं है संसार की, पक्की अपने आप अंदर पहले फरमाइश पूरी करे भाई जी, सारी फरमाइश पूरी भी कर रहा है, समझा भी रहा है, बस समझने की चीज है कि हम समझ जाएं। मतलब वो कभी भी नश्वर दुनिया की कोई फरमाइश पूरी नहीं कर सकता, है ही नहीं, उसके पैसे नहीं है बेचारा, कहाँ से करे? और कितनों का करेंगे? कितनों का करेंगे? ठीक है नहीं, एक का करेंगे तो सबका करेंगे। हाँ, तो इसलिए उसने पहले पैसे सारे निकाल के फेंक दिए,
अरे मेरे पास पैसे वैसे ना आए, मेरे पास ये 7 गुण है, 8 शक्तियां हैं, बोलो जितनी चाहिए ले लो, इससे फालतू, इससे फालतू मेरे से पूछ रहा मैं। हाँ इससे हाँ जी, पैसों की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी तो उन्हें पता ही नहीं पैसे भी क्या, पैसे क्या चीज होते हैं। मतलब वो कहता है इनके अलावा मेरे से कोई उम्मीद नहीं रखना, इस राज को समझ लो। जिसको ये राज समझ में आ गया वो कभी नाराज नहीं हो सकता। जितनी जल्दी बीवी मान समझ में आ जाए ना बीवियों की, हाँ बस बस, मतलब तब नहीं समझ में आ रहा तो वही झगड़ा हो रहा है ना, वही छोड़ छोड़ के जाएंगे, क्या करेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे देखे, मतलब इतना उनको नशा, मैंने भाई जी आज बाबा को ये कहा हो गया, मैंने भाई जी आज बाबा को ये कहा बाबा ने कर दिया, बाबा ने कर दिया, और फिर एक दिन नहीं किया, आप बाबा मेरा बेकार भाई जी, बाबा और वो फिर ऐसा नहीं किया कि उसके बाद कहती है मैं इसके इसको याद नहीं करूं, बस आएंगे, वो तो ठीक है, इसलिए बाबा निश्चिंत रहता है। जब पसंद कर लिया फिर बीच में किसी को क्यों डालते हो, पूछ रहे हैं बाबा, फिर बीच में किसी को क्यों डालते हो, बीच में डालते हो तो बीच भंवर में आ जाते हो, फिर भंवर में तो दुखी होना पड़ेगा, फिर बचाने की मेहनत भी फिर किसको करनी पड़ती है, कहते फिर भी मियां कोई करनी पड़ती है। मतलब तुम नाराज होते हो और नाराज होकर कहां चले जाते हो, भंवर में। कैसा कैसा साजन है देख लो, किसी को बीच में डालते हो तो फिर तुम बीच भंवर में आ जाते हो, क्योंकि आप जिसको बैठकर बताएंगे ना, मैंने इतनी मेहनत की, इतना किया बाबा के लिए, इतना किया, वो भी कहेगी हाँ बिल्कुल, कहती तो तू ठीक है, तूने तो बहुत किया, इतना तो हम कर नहीं सकते थे, ना रात देखी तूने, ना दिन देखा, ना चैन, कितनी मेहनत करके बाबा की सेवा में लगी रही तू, ये करना वो करना, बस। वो भी जख्म को कुरेद देते हैं, जिसके साथ चर्चा करो वो जख्म को कुरेद देगा, वो तो अज्ञानी आत्मा है। लेकिन एक चीज इस दुनिया में बहुत प्रॉपर है, जब आप जैसा बोलोगे ना वो वैसे के वैसे, बस सब सामने से वैसा ही बोलेंगे, वैसे ही बोलेंगे, मतलब बस बस, ये बहुत मतलब कॉमन चीज हो गई है। तो अब भंवर में फंस जाओगे फिर आप, ठीक है नहीं, अब बचाने की मेहनत बताओ किसको करनी पड़ेगी, फिर भी मियां को ही करनी पड़ती है, समझा रहे हैं, देख लो जितना भंवर में जाना हो जाओ, आखिर निकालने के लिए तो मुझे ही आना पड़ेगा, ये मक्खन लगा रहे हैं ना जी, ठीक है, मतलब बेला फुसला रहे हैं थोड़ा थोड़ा, ना निकालने आता ना छोड़ने आता, फिर भी मियां को ही करनी पड़ती है, इसलिए विश्व कल्याण का कार्य रह जाता है। फिर पूछते हैं विनाश कब होगा, विनाश कब होगा समझ रहे हैं बात को, जो पूछता है मेरे से विनाश कब होगा, बेचारा दुखी है, और वो दुखी क्यों है, कोई ना कोई बाबा की ज्ञान की बात को उसको समझ में नहीं आ रहा, राज उसको समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण वो दुखी। कौन सा राज उसको समझ में नहीं आ रहा जी, ये दुनिया वाले हो चाहे अपने ज्ञान के बच्चे हो, ज्ञानी बाबा के, ये विनाश को ज्यादा पूछते हैं, पुरुषार्थ क्यों नहीं करते। ये जो बाबा के बच्चे विनाश पूछ रहे हैं ना, मैं उसी की बात बता रहा हूँ, ये बाबा उन्हीं की बात बता रहा है, ठीक है नहीं, कि विनाश की बात क्यों पूछ रहे हैं, उन्होंने ज्ञान को अच्छी तरह समझा नहीं है, राज उनकी बुद्धि में स्पष्ट नहीं हुआ, वहां पूछने की जरूरत क्या है, पता लग गया कि ड्रामा इतना एक्यूरेट है, 1 सेकंड पहले नहीं हो सकता, 1 सेकंड लेट नहीं हो सकता,
परमात्मा बता नहीं सकता तो परमात्मा के बच्चे की हिम्मत है जो बता देवे। तो परमात्मा नहीं बताएगा, कोई और किसी की हिम्मत है जो बता देवे, फिर क्यों पूछे किसी और से। जब मेरा साजन है वो साजन मेरा मेरे को नहीं बता रहा तो किसी और को कैसे बताएगा। ये राज समझ में आ जाए फिर चिंता क्यों है। चिंता क्यों है कि नुकसान हो जाएगा, मैं नौकरी करूं कि ना करूं, पढ़ूं कि ना पढ़ूं, पैसे बैंक में रखूं कि खर्च कर दूं। मतलब भाई दुविधा में क्यों हो। बाबा ने कहा है अभी करो, अभी तुम्हारे हाथ में है, कल तुम्हारे हाथ में नहीं। भाई जी बाबा ने देखो कई मूल्यों में स्पष्ट भी किया कि एक सेकंड भी मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ विनाश के बारे में, कब क्या करूंगा। विनाश के बारे में, परिवर्तन के बारे में, या मतलब कर, आपने करना है, आपको भी बता दिया, अभी करना है तो करो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो जो कुछ करना है वो करो, नहीं करना है मत करो, परंतु अपने आप को एकदम स्टेबल रखो, बाबा की हर बात को समझ कर करो। बाबा ने कहा कि थोड़ा आई वेल के लिए रखो क्योंकि बाद में दुखी ना होना पड़े। और जितना फालतू है आप यदि सेवा में नहीं लगा सकते हो तो आप सेवा में लगाओ, आप सेवा में खुद लगा सकते हो तो किसी को देने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही सेवा में लगाओ। अब कैसे बात करते हैं बाबा, देखो अब बीबियां तैयार ही नहीं तो विनाश क्या करें। मियां जी की बात समझ में आई है, मियां जी की आवाज सुनाई दे रही है। हाँ, कहते बीबियां तैयार ही नहीं, बीबियां तैयार ही नहीं तो विनाश क्या करे। समझा विनाश क्यों नहीं हो रहा। ड्रेस का परिवर्तन करने नहीं आता तो विश्व का कैसे परिवर्तन करेंगे। अच्छा अब प्रवृत्ति वालों का हाल चाल फिर सुनावेंगे, अभी नहीं सुनाता हूं सारा हाल चाल फिर सुनावेंगे। आज तो आपकी प्रवृत्ति का हाल सुनाया। आपकी प्रवृत्ति मतलब आपका मेरे साथ कैसा रिश्ता है, आपका और मेरा रिश्ता। शिव बाबा कहते मैंने वो प्रवृत्ति का हाल सुनाया, ऐसे सदा राजयुक्त युक्ति युक्त सदा समीप संबंध में रहने वाले, सदा राजी रहने वाले और सर्व को राजी करने वाले, सदा मिलन मनाने वाले, ऐसे सदा बाप के साथ और साक्षी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। टीचर्स के प्रति अव्यक्त महावाक्य, टीचर्स अर्थात बाप समान सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। टीचर्स को हर वर्ष कोई नया प्लान बनाना चाहिए। सेवा के प्लान तो स्टूडेंट्स भी बनाते हैं लेकिन टीचर्स को विशेष क्या करना है। अब ऐसा अपना संगठन बनाओ जो सबके मुख से ये निकले कि ये अनेक होते भी एक हैं। जैसे यहां दीदी दादी दो हैं लेकिन कहते हैं दोनों एक हैं, तो ये प्रभाव पड़ता है ना। जब ये दो होते हुए भी एक समान एक दूसरे को रिगार्ड देते, दो होते हुए एक दिखा रहे हैं दीदी और दादी, दोनों को जानते हैं ना, मनमोहिनी दीदी और दादी प्रकाशमणि। तो आप अनेक होते हुए एक का प्रमाण दे सकते हो। जैसे कहते हैं कि सबकी वाणी एक ही होती है, जो एक बोलती वही सब बोलते हैं, ड्रेस भी एक जैसी, वाणी सबकी एक ही,
ज्ञान के पॉइंट्स की होती हैं, भले सुनाने का ढंग अलग हो, सार एक ही होता है। वैसे ऐसा ग्रुप बनाओ जो सब कहें ये अनेक नहीं एक है। यही विशेषता है ना, तो एग्जाम्पल कोई निमित बने जिसको फिर सब फॉलो करेंगे। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, तो कौन अर्जुन बनेगा? जो अर्जुन बनेगा उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। उसे क्या मिलेगा? फर्स्ट प्राइज मिलेगी। सिर्फ एक बात को ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी बात? क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दे, विशेषता देखते हुए कमजोरियों को ना देख देखना ना सुनना, सिर्फ विशेषताएं देखनी। ये अभ्यास पक्का करना पड़ेगा, देखते हुए भी कमजोरी को समाकर सहयोग देते रहो। तिरस्कार नहीं करें लेकिन तरस की भावना रखें, जैसे दुखी आत्मा के ऊपर रहम दिल बनते हो वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहम दिल बनो। अगर ऐसे रहम दिल बन गए तो क्या हो जाएगा? अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। वैसे भी लौकिक में देखो, जो समझदार परिवार होते हैं, स्नेही परिवार होते हैं, वो क्या करते हैं? एक दूसरे की कमजोरी की बात समाकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम वाला करते हैं। अगर कोई परिवार में गरीब होता है तो उसको मदद दे करके भरपूर कर देते हैं, ये भी परिवार है। अगर कोई संस्कार के वश हैं तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सहयोग देकर हिम्मत बढ़ाकर के हुलास में लाते हुए उसको अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो अनेक होते हुए भी एक हो जाएंगे। ये करना मुश्किल है क्या? जब वरदानी मूरत हो तो वरदानी कभी किसी की कमजोरी नहीं देखते। वरदानी सदा सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। ऐसे करके दिखाओ तो क्या करेंगे? ऐसा कोई आत्मिक बॉम्ब लगाकर दिखाओ। कौन सा बॉम्ब लगाना है? आत्मिक बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब नहीं, आत्मिक बॉम्ब लगाकर दिखाओ। टीचर्स का कर्तव्य ही ये है, जैसे बाप कमजोरी दिल पर नहीं रखते लेकिन दिलाराम बनकर दिल को आराम देते हैं। दिलाराम का मतलब क्या बताया? दिल को आराम देने वाले। महात्मा गांधी भी ये शब्द बोलते थे, हे राम जब मैं तुम्हारा नाम लेता हूं तो मुझे बहुत आराम मिलता है। तो बाबा वही शब्द प्रयोग करें, दिल को आराम देते हैं। तो टीचर्स अर्थात बाप समान किसी की कमजोरी तो देखो ही नहीं, दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हर एक के दिल को दिलाराम समान आराम दो, तो सब आपके गुणगान करेंगे। साथी हो चाहे प्रजा हो, हर आत्मा के मुख से दुआएं निकले, आपके लिए आशीर्वाद निकले कि ये सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। ये बाप समान रहम दिल, दिलाराम की बच्ची दिलाराम है। दिलाराम की बच्ची क्या है? दिलाराम। दिलाराम दिल को आराम देने वाली, बाबा भी दिल को आराम देने वाला और बाबा की बच्ची भी दिल को आराम देने वाली। तब कहेंगे योग्य टीचर, अगर टीचर ही कमी देखे, दूसरों में कमी देखे, तो स्टूडेंट और टीचर में अंतर ही क्या हुआ? मतलब टीचर को तो
सीधा किसी की भी कमी देखने का अधिकार नहीं है। टीचर तो बाप के गद्दी नशीन है, साथ में बाप की गद्दी पर विराजमान होना, सबसे समीप तो साथी ही बैठेंगे ना। टीचर अर्थात गद्दी नशीन, तो ऐसी कमाल करके दिखाओ। समझा? टीचर किसको कहते हैं? इसमें कोई भी प्राइज ले सकता है, इसमें कोई भी प्राइज ले सकता है। टीचर के मुख से कभी भी किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए। समझ में आई ये बात? टीचर का काम क्या होगा? कभी भी किसी भी भाई बहन की कमजोरी किसी दूसरे के आगे वर्णन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पहले तो हमारी हम करते थे, हम अपना जाके रोना दूसरे के आगे रोते थे। अब टीचर तो मेरे समान है ना, बाप समान है ना, तो वो तो नहीं कर सकता ना। विशेषता ही वर्णन हो। टीचर का अर्थ ही है बाप समान, हिम्मतहीन की लाठी बनने वाली। हिम्मतहीन की क्या बनने वाली? लाठी, सहारा बनने वाली। समझा? टीचर किसको कहते हैं? विस्तार तो अच्छा बना रही हो, मतलब सेंटर तो ढेर खोलते जा रहे हो, सेवा तो ढेर करते जा रहे हो, अब संगठन का सार बनाना है। संगठन को सार नहीं, संगठन का सार बनाना है, मतलब उसके अंदर शक्ति भरनी है। सार माना रस, उसको रस युक्त बनाना है, उसको गुण युक्त बनाना है, गुणवान बनाना है। सार का मतलब गुण भी होता है। पार्टियों से बाप दादा बच्चों का कौन सा स्वरूप सदा देखते हैं? बाप बच्चों का सदा संपन्न संपूर्ण स्वरूप ही देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भले आज जरा हलचल में है लेकिन अचल होना ही है। बच्चे बेशक हलचल में है, आखिर अचल तो बनेंगे ना, बनना ही है। थे और वही पाठ बजाकर संपन्न बनना ही है। बीच की हलचल ना थी ना रहेगी, ये मध्य काल की बात है। इसलिए बाप सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ रूप में देखते हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को भी अपना सदा श्रेष्ठ रूप ही दिखाई दे, फिर कभी भी नीचे आएंगे ही नहीं। फिर कभी नीचे आएंगे ही नहीं। नीचे तो कितना जन्म रहे हो? 63 जन्म उतरने के ही अनुभव किया। अब तो उतरते उतरते थक गए हो ना, कि अभी भी टेस्ट करनी है, अभी भी टेस्ट करनी है। अब चढ़ना ही चढ़ना है। अब क्या है? चढ़ना ही चढ़ना है। उतरना समाप्त हुआ, सिर्फ संगम युग ही चढ़ने का युग है। फिर तो उतरना शुरू हो जाएगा। संगम युग पर तो चढ़ना जितना भी चढ़ सकते हो, और जब ऊपर टॉप पर पहुंच जाएंगे तो फिर उतरना शुरू हो जाएगा। अगर इतने थोड़े से समय में भी उतरना चढ़ना होता रहेगा तो फिर कब चढ़ेंगे? जैसे औरों को कहते हो अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसे अपने को भी ये स्मृति दिलानी है कि अब नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं चले तो उतरना शुरू हो जाएगा, अभी से ही उतरना शुरू हो जाएगा। सदा चढ़ती कला, इसमें बहुत मजा आएगा। इस जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं आएगी, भविष्य जीवन में तो अप्राप्ति और प्राप्ति के जीवन का पता ही नहीं होगा। सतयुग में तो ना प्राप्ति का पता ना अप्राप्ति का पता, अभी दोनों का पता है। तो मजा अभी है ना। ब्राह्मण बनना अर्थात चाहिए चाहिए खत्म। जब बाप ने सर्व खजाने दे दिए, चाबी भी दे दी, फिर मांगते क्यों हो?
क्या कुछ बाबा ने छिपा कर रख लिया है जो कहते हो चाहिए? बाप ने बिना मांगे सब दे दिया, आपको मांगने का रूप भी बाप को अच्छा नहीं लगता। विश्व के मालिक के बालक मांगे तो अच्छा लगेगा। जो आपको जरूरत है वो सब दे ही दिया, तब क्या करेंगे? इसी नशे में रहो कि हम विश्व के मालिक के बालक हैं तो मांगना समाप्त हो जाएगा। अब माया जीत का झंडा चारों ओर बुलंद करो। जब ये झंडा बुलंद हो जाएगा तब सब झंडे नीचे झुक जाएंगे। अभी रस्सी खींच रहे हो, जब झंडा चढ़ जाएगा तो प्रत्यक्षता के फूलों की वर्षा होगी। एक दो को सहयोगी बनाकर माया जीत के वाइब्रेशंस फैलाओ। अब ऐसा किला मजबूत करो, इतना किला पक्का हो जो माया की हिम्मत ही ना रहे। अगर किसी में आए भी तो उसे दूर से भगा दो। माया किसी में आए भी तो उसे दूर से भगा दो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।